ओके, मैं तारिशी सक्सेना हूँ। मैं गाजियाबाद से आई हूँ आज यमुना मिशन पे मथुरा, और मैंने देखा है कि किस तरह इन्होंने इस प्रोजेक्ट को 2015 से आज 2019 में इतने कम समय में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है यहाँ का, और नेचर को कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स उठाया। लाइक इन्होंने कवर करी है यमुना मिशन में सब टीम ने मिलके प्लांटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट से, एंड ये रिवर को रिनोवेशन करके, मतलब साफ करके। और एक सबसे बड़ी बात जो मेरे को यहाँ पे अच्छी लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने पैडलर नहीं रखे हैं, नालों को अलग करा है और नदी को अलग करा है, जिससे कि नदी खराब नहीं हो रही है नालों की वजह से। और अब दूसरी जगह मैं जो यहाँ आई हूँ, पहले मैं देख कर आई हूँ, जो मैं यहाँ आई हूँ तो मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ, ये सेम हम आने वाले मंथ्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे जैसे सेम पहले उसमें करा है। तो ये काफ़ी अच्छी शुभकामना है हमारे भारत के लिए, मथुरा के लिए, कि यमुना मिशन इस चीज़ को कंटिन्यूसली तन मन धन से कर रही है, है ना, अपना सहयोग कर रही है। ये सिर्फ आज के लिए नहीं हो रहा है, ये आने वाले सालों के लिए हो रहा है। आने वाले जो इधर आसपास सब बच्चे हैं वो भी जानते हैं कि आने वो जब देखेंगे कि कितना कूड़ा था, आगे चल के किसी को बताएंगे कि इतनी सफाई थी, तो उन्हें भी गर्व होगा कि वो यहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, ना कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी कि हम लोग ऐसे हैं कि अपने पर्यावरण का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं किसी भी कारण। उन्हें अच्छा लगेगा और आगे चल के ये लोग भी इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल बनेंगे कि हाँ हम इसको गंदा ना होने दें किसी भी प्रकार से। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, शांति भी मिली। जैसे मैं गई थी, काफ़ी सारे मैंने वन देखे थे, तरीके के तट बना रखे थे, और मैंने आफ्टर बिफोर की भी वीडियोस फोटोज़ देखी थी, एंड उसमें भी देखा मैंने कि कितनी अच्छी तरीके से उसको मतलब ब्यूटीफाई करा गया है ना, एंड ब्यूटीफाई किया गया। अब वो जगह जो पहले खड़े होने लायक नहीं थी, वहाँ इंसान आके घूम सकता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सबसे मिलके, रश्मि जी से मिलके, प्रदीप बंसल जी से मिलके, सबसे मिलके, धन्यवाद जी। और जानवी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम जानवी है और मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ, दिल्ली NCR से। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ मथुरा में, जो कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, और जिसके बिना यमुना के बिना ना तो कृष्ण जी की खुद की जीवनी पूरी है, ना ही मथुरा की है। इंट्रोडक्शन ही उसका यमुना से, लेकिन आज हम लोगों ने इतना प्रदूषित कर दिया इसे कि हमने इसे कालियावन से ज्यादा इसे दूषित कर दिया है, जहरीला बना दिया, हम सभी ने बनाया है। लेकिन जो काम हो रहा है 2015 से नाडा, सॉरी ये यमुना मिशन की तरफ से, ये काफी प्रशंसनीय है जिसे कहा जाए। लाइक मैं अभी देख के आई थी साइट में आपकी, जहाँ पे आपने दिखाया था कि जो आपके यमुना है एक साइड से वो निकलती है, प्लस अपने नाले को रोक दिया है जिससे कि नाला ना मिले। और आज की डेट में जो भी हमारे सब नदियां हैं, जो भी इंडिया में जो भी रिवर्स हैं, वो सब पॉल्यूटेड इसलिए हैं क्योंकि वो सब जो पानी है हमारा नाले का, रिवर का पानी, सब लोग मिक्स हो रहा है वो भी नदी से। लेकिन जो आपने एक महान काम किया है, लाइक जो सीवर का पानी उसे रोक दिया है जिससे कि वो नदी में ना मिले, तो ये एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए मोटिवेशन है सभी देश के लिए कि हम ऐसा कर सकते हैं आगे, जिस तरह से आपने करके दिखाया है कि अगर एक नाला अलग हो जाए तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लाइक दिल्ली में अगर बात करूँ तो दिल्ली में सबसे ज्यादा फेमस है कालंदी कुंज, और जो ये यमुना है ये ITO में प्रदूषित हो चुकी है पूरी तौर पर। लेकिन जिस तरह से मथुरा में, जो कि मथुरा में मैंने सुना था 2-3 साल पहले कि सबसे ज्यादा प्रदूषित हो चुकी थी, वो दिल्ली से ज्यादा थी, मे बी मुझे याद है, बट मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो दिल्ली हाई लेवल पहुंच चुकी है, हाई लेवल डेंजर हो चुका है। बट जो मथुरा का है वो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, कि अब हमारा देश तरक्की करेगा जिस तरह से मथुरा में जो सफाई है, जो आप अभियान चला रहे हैं, और दिल्ली के अकॉर्डिंग जिस समय दिल्ली में ठीक था बट मथुरा में सुना था मैंने कि प्रदूषित हो चुकी है, बट अब जो मथुरा है वो ज्यादा मुझे सुंदर लग रहा है और दिखाई दे रहा है। जिस तरह से काम आप करवा रहे हैं, ये जो पहली बार ऐसा लग रहा है हुआ ही है कि जो मथुरा है हमारा, वो पहली बार यमुना में सफाई चल रही है, पहली बार यमुना की सफाई हुई है। और इस तरह से सफाई देखकर कि लगता है मुझे ऐसा कि आने वाले कुछ सालों में, मे बी 2 सालों में, हमारा ये जो यमुना होगा ना, ये जो बाहर की रिवर्स से हम कंपैरिजन करते हैं अपनी नदियों का कि हम माता कहते हैं, और हम जो ये माता कहते हैं उन्हें, और वो कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो देश की नदियां है ना, हम गर्व से बोल पाएंगे कि हाँ अपनी माता का सम्मान करते हैं, हमारी माता है, हमारी नदियां हैं। और उसके लिए आज हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, यमुना मिशन जो काम कर रही है, इसके अकॉर्डिंग हमें इंस्पिरेशन मिला है, ये मोटिवेशन मिला है कि हम अपनी जो दिल्ली में भी यमुना जा रही है, जो भी इलाहाबाद से आ रही है यमुना, उस सब पे काम करेंगे और एक बार सब बोल पाएंगे हम गर्व से कि हाँ यार हमारी यमुना है, हमने काम किया है, हम हिंदू हैं और हम
अपनी माता का सम्मान करते हैं, हम क्या पाएंगे कि हम माता का करते हैं। और जो भी यहाँ बच्चे हैं या बड़े लोग हैं जो देख रहे हैं या फिर जो हमें देखेंगे या आपको देखेंगे इस काम को करते हुए, वो भी इसी से इंस्पायर होंगे कि या हमें अपनी माता को हम जल प्रभा के जो सम्मान यहाँ पे आके डाल रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, इसी को किसी और तरह से हम कर सकते हैं। और जो आपने मार्ग निकाला है ना कि नदियों नालों को अलग करके यमुना को अलग करना, वो एक बहुत बड़ा मिसाल है। तो सैल्यूट है मुझे आपके लिए कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और मैं काफी खुश हूँ।